है, मैं हूं आपके साथ शांतनु त्रिपाठी। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। लखनऊ से खबर सामने आ रही है, कानून व्यवस्था की बैठक में पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है। बड़ी खबर लखनऊ से, कानून व्यवस्था को लेकर ये बड़ी बैठक। ये बैठक में पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है और अब जिलाधिकारी की अध्यक्षता में ही कानून व्यवस्था की बैठक की जाएगी। यूपी के 66 जिलों में जिलाधिकारी कानून व्यवस्था की बैठक लेंगे। कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नरेट कमिश्नर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के लिए आदेश जारी कर दिया है और इस आदेश का आईपीएस संवर्ग में विरोध भी हुआ था। 2018 की बात की जाए तो भी 2018 में इस मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था और बिना जिलाधिकारी के मंजूरी के थानाध्यक्ष पोस्ट नहीं होगा। और इस आदेश के बाद देखिए सिंघम बने पुलिस कप्तानों के लिए एक बड़ा झटका है। जिलों में डीएम साहब ही अब सुपर बॉस होंगे। देखिए कानून व्यवस्था के लिए पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है, जिलों में डीएम साहब ही अब सुपर बॉस। बिल्कुल, देखिए लैंड आर्डर यूपी एक बड़े स्टेट में हमेशा चुनौती रहा है और विपक्ष जब भी मुद्दे उठाता है तो कानून व्यवस्था उसमें सबसे पहला होता है जी। लेकिन 2018 में योगी सरकार ने एक परिवर्तन किया था कि जो जिलों में डीएम और एसपी दो पैरेलल अधिकारी हैं अखिल भारतीय सेवा के जी। उसमें एसएसपी को एसपी को और अधिकार दिए। तो देखिए मुख्य सचिव ने इसको लेकर सभी जिलों के लिए आदेश जारी किया है। बड़ी जानकारी लखनऊ से सामने आ रही है और कानून व्यवस्था से जुड़ी ये बड़ी जानकारी। इस वक्त कानून व्यवस्था की बैठक में पुरानी व्यवस्था को बहाल किया गया है और जिलाधिकारी की अध्यक्षता में अब कानून व्यवस्था की बैठक होगी। यूपी के 66 जिलों में जिलाधिकारी कानून व्यवस्था की बैठक लेंगे। कमिश्नरेट की बात की जाए तो पुलिस कमिश्नर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के लिए आदेश जारी किया है। तो देखिए आईपीएस संवर्ग में इसका विरोध हुआ था, 2018 में भी इस मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था। तो ये बड़ी खबर सामने आ रही है कानून व्यवस्था से जुड़ी और बैठक में पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है। कुल 66 जिले कहा जाए इसमें जिलाधिकारी सुपर बॉस होंगे जिला के और डीएम के बिना थानाध्यक्ष पोस्ट मंजूरी अब इसकी नहीं होगी। सिंघम बने पुलिस कप्तानों के लिए बड़ा झटका है, जिलों में डीएम साहब ही सुपर बॉस होंगे। मुख्य सचिव ने सभी जिलों के लिए इसको लेकर आदेश जारी कर दिया है। बड़ी खबर ये सामने आ रही है लखनऊ से, कानून व्यवस्था से जुड़ी अहम खबर। तो कानून व्यवस्था की बैठक में पुरानी व्यवस्था को ही बहाल कर दिया गया है। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में होगी कानून व्यवस्था की बैठक और कानून व्यवस्था की बैठक यूपी के 66 जिलों में डीएम कानून व्यवस्था की बैठक लेंगे। और देखिए कमिश्नरेट की बात की जाए तो पुलिस कमिश्नर इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे और इसको लेकर मुख्य सचिव ने सभी जिलों के लिए आदेश जारी कर दिया है। तो कानून व्यवस्था की बैठक में पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है। जिलाधिकारी के अध्यक्षता में कानून व्यवस्था की बैठक होगी। देखिए जीरो टॉलरेंस की बात कहा जाए कि यूपी सरकार की तरफ से लगातार की जा रही है, ना सिर्फ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से जीरो टॉलरेंस कानून व्यवस्था को लेकर और किसी भी तरह की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इस तरह के तमाम बयान हमने सुने हैं। उसी को लेकर कहा जाए कि एक अहम स्टेप जो है वो लिया गया है और कानून व्यवस्था की बैठक में पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है। अब जिलाधिकारी के अध्यक्षता में होगी कानून व्यवस्था की बैठक और यूपी के 66 जिलों में जिलाधिकारी अब कानून व्यवस्था की बैठक लेंगे। तो देखिए कानून व्यवस्था से जुड़ी बैठक अब जिलाधिकारी लेंगे। यूपी के 66 जिलों में डीएम कानून व्यवस्था की बैठक लेंगे। कमिश्नरेट की बात की जाए तो पुलिस कमिश्नर बैठक की अध्यक्षता करेंगे और मुख्य सचिव ने सभी जिलों के लिए आदेश जारी कर दिए हैं। तो देखिए इस आदेश का आईपीएस संवर्ग में विरोध भी हुआ था, 2018 में भी इस मुद्दे को लेकर विवाद हुआ था, लेकिन अब बिना डीएम की मंजूरी के थाना अध्यक्ष पोस्ट नहीं होगा। सिंघम बने पुलिस कप्तानों के लिए बड़ा झटका, जिलों में डीएम साहब भी अब होंगे सुपर बॉस। कानून व्यवस्था से जुड़ी यह अहम खबर इस वक्त सामने आ रही है, पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है। जिलाधिकारी के अध्यक्षता में कानून व्यवस्था की अब बैठक होगी। तो पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है,
टीएम की अध्यक्षता में अब कानून व्यवस्था की बैठक होगी। मुख्य सचिव ने इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए हैं। यूपी के 66 जिलों में डीएम बैठक लेंगे। तो देखिए बड़ी जानकारी सामने आ रही है। एके जैन पूर्व डीजीपी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर ये जिस तरह से कहा जाए कि कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से ये फैसला आया है, कहा जा रहा है कि अब जिलाधिकारी जो है वो कानून व्यवस्था की जो बैठक होगी उसकी अध्यक्षता करेंगे, किस तरह से देखते हैं आप इस पूरे फैसले को? मैं इसको एक नकारात्मक डिसीजन मानता हूं जी। और जो व्यवस्था चल रही थी सुचारू रूप से चल रही थी, इसमें अनावश्यक जो है वो एक ऐसी व्यवस्था बनाने का प्रयास किया जा रहा है जिससे उसमें कंफ्यूजन रहेगा और इसमें कोई एक हायरार्की जो एक पुलिस की होती है जी, जो जिस तरीके से डिसीजन लिए जा रहे थे वो उसी प्रकार होना चाहिए। जिलाधिकारी के पास समय नहीं होता है, जिलाधिकारी कार्यालय में जाके बैठक करना और वहां पर सारे थानाध्यक्षों का, क्षेत्राधिकारियों का एकत्रित होना, इसमें मुझे कोई तुक समझ में नहीं आती है। पहले भी बैठक होती थी, हम लोग करते थे, जब मैं जिलों में था आवश्यकता होती थी तो उसमें जिलाधिकारी स्वयं आ जाते थे, एडीएम आ जाते थे, उनको कोई बात कहनी होती थी अपनी बात कह देते थे जी। पर ये जो एक व्यवस्था बनाने की कोशिश क्यों की गई है, व्यवस्था यूपी में पुलिस की बहुत अच्छी चल रही थी जी। इसमें क्या क्या वजह है कि इसमें इस प्रकार का आदेश निर्गत हुआ है, मेरी समझ के बाहर है। पुलिस इस समय उत्तर प्रदेश में बखूबी अपने कार्यों का बहुत मुस्तैदी से अंजाम दे रही है जी। और इस प्रकार की व्यवस्था में फिर क्यों वापस गए हैं, क्या वजह रही है, क्या किसी एसपी की शिकायत आई है कि थानाध्यक्षों की तैनाती में कोई गड़बड़ी हुई है जी। ये जो है इसकी पूरी एक समीक्षा होनी चाहिए और मेरा ये मानना है कि अगर किसी ने कोई गड़बड़ी की है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए बजाय इसके कि पूरी व्यवस्था को बदल दिया जाए जी। इसको लेकर देखिए आईपीएस संवर्ग में कहा जाए कि जो विरोध भी हुआ था, लेकिन अब चूंकि आने आने वाला जो वक्त है तो किस तरह से चीजें अब बदलती हुई नजर आएंगी, क्योंकि जिस तरह से आईपीएस जो तमाम अधिकारी हैं उनमें भी कहीं ना कहीं एक विरोध का जो स्वर है वो भी उठता हुआ दिखाई दिया था, क्या आगे भी इस तरह का कहा जाए कि इसी तरह की जो भावना है वो दिखाई देगी? मैं इसको पुलिस की लीडरशिप की कमजोरी मानता जी। इस प्रकार के आदेश निर्गत हुए हैं, इसको मुख्यमंत्री जी से उनको टेकअप करना चाहिए जी। इसको पुख्ता तरीके से इस बात को रखा जाना चाहिए कि मतलब ऐसी व्यवस्था क्यों की गई है, क्या इसके पीछे कारण क्या है, कहीं पर कोई व्यवस्था ध्वस्त हो गई किसी थाना क्षेत्र में, किसी जनपद में, एक आध घटना अगर हो जाए और उसकी वजह से पूरी व्यवस्था बदल दी जाए, मैं इससे कतई सहमत नहीं हूं। जो व्यवस्था चल रही थी इसी में किस प्रकार से सुधार किया जा सकता है, और अगर किसी ने कहीं पर भी कोई गड़बड़ी की है, कोई शिकायत आई है, उसके खिलाफ सख्त दंडात्मक कार्रवाई होनी चाहिए। ये कि अब पुलिस एसपी जो हैं प्रपोजल बना के डीएम के यहां भेजेंगे, डीएम उसमें किसी और का नाम देंगे, ये एक इस व्यवस्था को मैं एज आईपीएस ऑफिसर, एज एक्स आईपीएस ऑफिसर, मैं इस व्यवस्था को कतई भी उचित नहीं मानता। सर इस व्यवस्था के बदलाव के पीछे क्या कारण हो सकता है, आपको क्या लगता है क्या कारण रहा होगा कि ये जो पुरानी व्यवस्था है इसको फिर से बहाल कर दिया गया? अब ये ऐसा होता है जी कि चारों तरफ मुख्यमंत्री जी के आईएएस अफसर रहते हैं, हमेशा इस बात के लिए प्रयासरत रहते हैं कि किस प्रकार से आईपीएस लॉबी को डाउन किया जाए और किस प्रकार से इसको इनको अपने नियंत्रण में लिया जाए। हमेशा से इनका यही प्रयास होता है कि हर विभाग उन्हीं के द्वारा कंट्रोल किया जाए, और मैं इसमें और क्या कह सकता हूं, ये दिखाता है कि हमारी पुलिस की लीडरशिप कमजोर हुई है और तभी इस प्रकार के आदेश निर्गत हुए हैं।
अन्यथा इस प्रकार के आदेश निर्गत होने का कोई औचित्य वर्तमान समय में मेरी समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, श्री प्रकाश सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व आईएएस। और देखिए श्री प्रकाश सिंह जी, किस तरह से कहा जाए कि ये जो पूरी व्यवस्था जिसमें बदलाव किया गया है, क्या सोचते हैं आप, ये जो पूरा फैसला, पूरी कानून व्यवस्था बदल दी गई है, क्या कहेंगे आप इस पर, इस फैसले पर? देखिए, ये बहुत ही बढ़िया फैसला है, स्वागत योग्य है जी। और जो ये कहा जा रहा है कि लीडरशिप कमजोर हो गई, आप लोकशाही में आप पुलिस स्टेट चाहते हैं, ये गलत बात है। जहां पुलिस कमिश्नर सिस्टम जहां से लिया गया है, जिन देशों में जी, आप पाश्चात्य देशों को अगर देखें, यूरोप अमेरिका के देश देखें या इंग्लैंड देखें जी, वहां मेयर के अंडर में पुलिस है, जो पुलिस कमिश्नर है वो मेयर के अंडर में है। इसलिए कि ये प्रजातंत्र का मूल सिद्धांत है कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर में ही आर्मी या पुलिस रहनी चाहिए, जो उसका मुखिया होना चाहिए, मुखिया वो सिविल का आदमी होना चाहिए। ये थोड़े कि आप ही मुलजिम हैं, आप ही मुंसिफ हैं, आप ही सब कुछ हैं, आप ही पकड़िए, आप ही डिसाइड करिए, आप ही मुकदमा लगाइए, ये अपने आप में ठीक नहीं है। और ये व्यवस्था सिविल, देखिए सबसे बड़ा फर्क पड़ा है, मैं क्षमा चाहूंगा जो हमारे वरिष्ठ लोग बैठे होंगे सत्ता में जी, या जो भी हमारे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है उनसे, कि आप देखें, एक हर आदमी जो आम इंसान है, जिलाधिकारी के पास जिले में यूं ही चला जाता है कि डीएम साहब आए, कॉल ऑन कर लो, होली दिवाली चले जाओ, यूं ही मिलने चले जाओ, सोशल फंक्शन बुला लो। पुलिस के पास जाने में डर लगता है किसी भी शरीफ आदमी को। मैं ये नहीं कहता हूं कि पुलिस में शरीफ तो सब हैं, उनके भी शरीफ आदमी हैं, मगर एक मानसिकता है, एक मेंटल ब्लॉक है जिसको कहें, आदमी के नॉर्मली नहीं जाता। तो ये चीज बहुत सही है और ये प्रजातंत्र लोकशाही के अनुरूप है कि जो हेड है, अब ये पुलिस कमिश्नर साहब हैं, ये जिले में किसको जवाब दे हैं, आप बता दीजिए, क्या कोई, क्या सीधे प्रमुख सचिव गृह को जवाब देंगे? अगर कोई चीज होती है तो ये जो उसको मॉडरेटर होता है, जो सिविल एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वो मॉडरेटर ही गायब है। तो ये चीज आज तक कभी, जब तक ये समरसता से चल रहा था, कोई इसमें कोई दुराव तो नहीं था, न इसमें कोई व्यवस्था थी, एक प्रेशर लॉबी बनी कि उसने करवा दिया। आप ये बताएं कि कई दशकों तक व्यवस्था चली, इसमें क्या बुराई थी? कभी कोई चीज ऐसी नजर आई कि जो इसमें कोई बुराई है? क्या उसका फीडबैक नहीं? डीएम का फीडबैक डेफिनेटली इनसे ज्यादा होता है, उसके अंदर में 20-25 विभाग होते हैं, सिविल तमाम पब्लिक उसके पास जाती है, वो उनको फीडबैक देते हैं, उनका फीडबैक इनके फीडबैक से कई गुना बेहतर होता है जी। तो उनका नियंत्रण होना, या उनका हम नियंत्रण नहीं कहेंगे, हमारे एकेडमी में एटीआई में बीएन टंडन साहब थे, बड़े वरिष्ठ वो आईएएस अधिकारी थे, उन्होंने ये कहा था जी कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट शुड नेवर रिमेंबर दैट एसपी इज हिज सबॉर्डिनेट एंड एसपी शुड नेवर फॉरगेट दैट डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट इज सीनियर टू हिम। ये रिश्ते का मूल मंत्र था जी, कि हम ये ख्याल रखें कि आप ये समझें कि आप हमारे मातहत नहीं हैं, और वो ये समझें कि वो आपके समकक्ष, ये न समझें कि वो समझें कि वरिष्ठ है। तो ये एक मृदुल व्यवहार बना रहता है आपस में। हमने तमाम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ काम किया, मैं जिला प्रशासन बहुत रहा हूँ, इतने बढ़िया रिश्ते डीएम कम एसपी के थे कि लगता था जैसे भाई हैं, एक परिवार लगता था, कभी ये लगा ही नहीं कि हम उनका आदेश मान रहे हैं कि उनका आदेश मान रहे हैं जी। तो ये चीजें कह के एक दुराव उत्पन्न करना है, एक बहुत बढ़िया फैसला है जो स्वागत योग्य है, हम इसका स्वागत करते हैं। धन्यवाद। आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि फैसला स्वागत योग्य है, हमारे भारत समाचार के स्टेटहेड वीरेंद्र सिंह जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, ये पूरा जो कानून व्यवस्था में बदलाव किया गया है, क्या इससे फर्क पड़ेगा, और आखिर ये बदलाव क्यों किया गया है, इसको लेकर एक आदेश जो है वो भी जारी किया गया है? देखिए, ये कोई आईएएस वर्सेस आईपीएस की लड़ाई नहीं है, लेकिन एक फैसला 2018 में हुआ जी, कि दोनों अखिल भारतीय सेवा के अफसर हैं और दोनों इक्विवेलेंट आते हैं सर्विस में जी। तो विकास काम का जिम्मा मुख्यमंत्री योगी जी आए तो उन्होंने सोचा कि जिला अधिकारियों को पुलिस से अलग किया जाए लैंड ऑर्डर से जी, और पुलिस को और अधिकार दिए जाए, और उसी के तहत 2018 में बदलाव हुआ कि अब जिला अधिकारी विकास कार्यों से संबंधित चीजों को देखें और एसपी को जिले में पूरी ताकत दी गई। लेकिन 5 साल बाद ये परिवर्तन किया गया, इसको लेकर आश्चर्य तो हो रहा है पुलिस अधिकारियों में,
जब किसी के देखिए अधिकार छीनेंगे तो स्वाभाविक है कि वो विरोध करेगा, लेकिन चूंकि एक अनुशासित फोर्स है, कोई आदमी खुल के सामने नहीं आता है। आज एक्स डीजीपी जैन साहब बोल रहे थे, मैंने उनको सुना है जी, पुलिस वेलफेयर के लिए, पुलिस के अधिकारों के लिए तमाम सारी बातें उन्होंने कही और होना भी चाहिए। वो उस संपर्क से आते हैं और वो डीजीपी रहे उत्तर प्रदेश के। बात अधिकारों के साथ साथ अगर समन्वय की आती है तो समन्वय बेहतर होना चाहिए, दोनों शासन के अंग हैं, लेकिन लोकतांत्रिक सिस्टम में सरकार का आदेश सर्वोच्च है। अब ये अफसर ये बताएं कि 2018 में जो आदेश हुआ था वो सही था या जो आज 2023 में आदेश हुआ वो सही है। 5 साल वो व्यवस्था चली, उसका अनुभव क्या रहा? और कहीं पर अभी कई खैर कोई ऐसी अप्रिय स्थिति नहीं आई थी पूरे प्रदेश में जी, कि कहीं डीएमएसपी में कोई टकराव हुआ हो, और अधिकतर जिला अधिकारियों ने बात को मान लिया कि उत्तर प्रदेश में पुलिस जो है वो एसपी के अधीन रहे, एसपी उस पर काम करे, बहुत ज्यादा हस्तक्षेप रहा नहीं। आज से फिर से डीएम को जब से ये अधिकार की बात आई है तब से इसको लेकर सुखबुगाहट तो स्वाभाविक विरोध तो होगा ही, लेकिन लैंड आर्डर में पहले क्या कमी थी जो उसको बदला गया, और आज क्या समस्या है जिसकी वजह से उस पुराने पैटर्न पे वापस आना पड़ा सरकार को, ये एक महत्वपूर्ण सवाल है जिसका जवाब दोनों अफसरों से मिलना चाहिए। जी बिल्कुल, आप ए के जैन साहब से भी आपके सवाल का जवाब लेने की कोशिश करेंगे। ए के जैन साहब, देखिए कहा यह जा रहा है कि आखिर क्या जो व्यवस्था थी जिसके बाद पहले ये आदेश लेकर आया गया और अब आदेश को बदल दिया गया है, पुरानी जो व्यवस्था है उसको बहाल कर दिया गया है। देखिए मैं खुद आपसे कह रहा हूं जी कि मेरी समझ में ये आ नहीं रहा है कि इस समय इस प्रकार की टाइमिंग क्यों की गई है, ये इस प्रकार का आदेश किन कारणों से निर्गत हुआ। मैं भी पता लगाने का प्रयास करूंगा कि इसके पीछे क्या क्या वजह रही, क्या शिकायतें आईं, क्या कोई पुलिस के खिलाफ कोई ज्यादती की शिकायतें आईं। देखिए हर विभाग, जुडिशरी है वो अपने में अकाउंटेबल है, जुडिशरी अपना काम कर रही है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप जुडिशरी को कह दें कि आप उसको डीएम के अंडर में प्लेस कर दीजिए, वो अकाउंटेबल है हाईकोर्ट के लिए, पुलिस विभाग अकाउंटेबल है अपने सीनियर ऑफिसर्स के लिए, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम के लिए, गवर्नमेंट के लिए, होम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए। एक बीच में एक ये व्यवस्था बनाना, कल एसपी कहे कि साहब ये मेरी मर्जी का तो थानाध्यक्ष था नहीं, ये तो मुझ पे थोपा गया, तो मैं इस व्यवस्था से सहमत नहीं हूं। मैं समझता हूं कि बहुत से पुलिस कप्तान ऐसे रहे होंगे, पहले भी रहे होंगे, जो अपने को कमजोर महसूस करते होंगे। मेरा ये मानना है कि जिले में लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करना, पुलिस की व्यवस्था को बनाना एसपी का दायित्व है। एसपी किसी और के कंधे पे इसको रख के बंदूक नहीं दाग सकते कि साहब इसमें डीएम साहब का सहयोग नहीं मिला। मैंने ऐसा कभी नहीं अपनी सर्विस के दौरान किया, और मेरे साथ मुझे हमेशा 100% सहयोग आईएएस ऑफिसर्स का, डीएम्स का, कमिश्नर्स का पूरा मिला जी। और मजबूती से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल किया, साथ में पेट्रोलिंग पे जाते थे, साथ में लॉ एंड ऑर्डर ड्यूटीज को वो देखते थे। पर अब ये मेरी समझ के बाहर है कि इस समय जब इतनी अच्छी व्यवस्था, क्राइम कंट्रोल इतना बढ़िया, जबकि एनसीआरबी से लेके प्राइम मिनिस्टर से लेके चीफ मिनिस्टर ने स्वयं सराहना की यूपी के लॉ एंड ऑर्डर की और क्राइम कंट्रोल की, उन्होंने कहा कि पुलिस विभाग बहुत अच्छा कार्य कर रहा है, तो ये इस प्रकार की व्यवस्था क्यों की गई, ये मैं भी इसका पता लगाने का प्रयास करूंगा। मैं इससे सहमत नहीं हूं, मैं अपने पूर्व वक्ता से इस बात से भी सहमत नहीं हूं कि पुलिस का संपर्क नहीं रहता। पुलिस का जितना संपर्क पब्लिक से रहता है, चाहे वो चौकी लेवल हो, चाहे थाने का स्तर हो, चाहे अधिकारी गण हो, सुबह से रात तक पब्लिक से मुलाकात होती है, फीडबैक मिलता है, कार्रवाइयां होती हैं, और जैसे पुलिस कमिश्नरेट जहां जहां खुले हैं, कल हो सकता है बहुत से लोग इसके विरोध में हों कि ये पुलिस कमिश्नरेट क्यों खोल दिए गए, पुलिस कमिश्नरेट जहां जहां खुले हैं मेरी लोगों से बात होती है, उनका कहना है कि व्यवस्थाओं में आमूलचूल परिवर्तन हुआ है, वहां पे बहुत पुलिस की प्रेजेंस बढ़ी है, एक एक छोटी छोटी शिकायत की पे कार्रवाई होती है, गुंडा एक्ट का त्वरित निस्तारण हो रहा है, 145 की कार्रवाइयां हैं, 109 110 की कार्रवाइयां हैं, बहुत सी ऐसी ऐसी कार्रवाइयां हैं जिसमें त्वरित फैसले हो रहे हैं, और ये होने भी चाहिए। किन किन अपराधियों के ऊपर एनएसए लगना है,
और किनके ऊपर कार्रवाई होनी है, किनके लाइसेंस जो है वो जब्त किए जाने चाहिए, लाइसेंस कैंसिल किए जाने चाहिए, ये सब कार्रवाइयां की जानी चाहिए। ये मैं साउथ की बहुत सी स्टेट्स में गया हूँ, ये मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि मेयर के उसमें आता है, तो मेयर मेयर जो है वहां पे एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटी है, मेयर के कंट्रोल में दिया गया, जिस प्रकार से यहाँ पे चीफ मिनिस्टर हैं, जिस प्रकार से यहाँ पे होम मिनिस्टर हैं, इस प्रकार से एक व्यवस्था है मेयर की, न्यूयॉर्क में है, लंदन में है और बहुत से सिटीज में है, उसमें जो वहां का एक अलग अथॉरिटी बनी हुई है, चाहे वो एजी ब्रांच हो, और जैसे कि हमारे यहाँ जुडिशरी है, हमारे यहाँ जो स्टैंडिंग काउंसिल्स होते हैं, चीफ स्टैंडिंग काउंसिल्स होते हैं, और उच्च पदों पे आसीन अधिकारी हैं, वो भी इसको देखते हैं। तो अभी हर हर प्रदेश में, हर हर देश में अपनी अलग अलग व्यवस्था है, पर जहां तक ये बात है वहां पर किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं है। वहां के जो चीफ कांस्टेबल हैं, जो कांस्टेबल से ही बनते हैं, वो प्राइम मिनिस्टर तक को तलब कर लेते हैं, वहां उनके खिलाफ भी कार्रवाइयां रिकमेंड कर देते हैं, और कार्रवाई बहुत अच्छी व्यवस्थाएं चल रही हैं। मैं समझता हूं कि जितना कम हस्तक्षेप किसी विभाग के काम में हो उतना अच्छा है। अभी मैं पढ़ रहा था कि इसरो के तत्कालीन डायरेक्टर ने एक शर्त रखी थी जी। कि साहब हमारे यहाँ हमें इंडिपेंडेंटली काम करने दिया जाए, इसरो को, डीआरडीओ को, हमारे यहाँ किसी आईएएस अफसर की तैनाती ना की जाए, ये ना किया जाए कि हर जगह एक आदमी बैठ गया और उसने जो है वो अपना जो है वो कंट्रोल शुरू कर दिया। जो एकेडमिशियंस हैं, जो टेक्नीशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स का रोल अलग है और पुलिस एक अलग है, जुडिशरी अलग है, सबको अपने अपने कार्य करने का अवसर मिलना चाहिए, और अगर उनके काम में कहीं कमी है, कोई करप्शन के एलिगेशन है, कोई उनके खिलाफ शिकायतें आ रही हैं, तो सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए, जिससे कि उसकी कहीं पर भी पुनरावृत्ति ना होने पाए। ठीक है शिवराज जी, देखिए पिछले 5 वर्ष से कहा जाए कि इंडिपेंडेंट काम कर रहे थे, कानून व्यवस्था भी देखा कि उसमें सुधार हुआ है, तो फिर आखिर ये फैसला क्यों लिया गया, पहले ये फैसला क्यों लाया गया था और अब इसमें बदलाव आखिर क्यों किया गया, ये तमाम तरह के सवाल जो है वो कहीं ना कहीं खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। धैर्य हो सुनने का तो मैं बोल रहा फिर। जी जी जी, आराम से बोल रहा हूँ जी। इन्हीं की बातों में जवाब निहित है। पहले तो एक कानून संबद्ध बात करनी चाहिए, संविधान के उन्होंने कहा कि अभी कह दी जुडिशरी को कि वो भी इनके अंडर में, भाई वो सेपरेशन ऑफ पावर है। संविधान वेत्ता इतने बुद्धिमान थे कि जुडिशरी सेपरेशन ऑफ पावर के तहत आती है, जुडिशरी को नहीं रखा जा सकता, संविधान व्यवस्था की सेपरेशन ऑफ पावर और जुडिशरी अलग अंग है। नंबर एक जवाब। नंबर दो, जो इन्होंने कहा कि वहां पे व्यवस्था है पूर्व पाश्चात्य देशों में, अरे व्यवस्था क्यों है भाई, इसीलिए व्यवस्था है कि वो लोकशाही सम्मत व्यवस्था है, वही तो की जा रही, वो क्यों ऊपर से आए हैं, क्यों व्यवस्था वहां उन्होंने कर दी, उन्होंने क्यों व्यवस्था की, इसलिए कि वो तर्कसंगत व्यवस्था ज्यादा अच्छी व्यवस्था। मेयर इन्होंने कह दिया कि साहब वो तो उनके जवाबदेह होते हैं गवर्नर, गवर्नर उनके वो अपना सिटी का गवर्नर गवर्नमेंट का हेड है, द मेयर इज हेड ऑफ सिटी गवर्नमेंट, वो प्रदेश का हेड नहीं है, जो कि उन्होंने कहा कि वहां अकाउंटेबल होते हैं फलाने फलाने को। गवर्नर जैसे यहाँ पे एग्जीक्यूटिव पावर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट में है, पाश्चात्य देशों में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होता, कोई जानता ही नहीं मीडियम क्या होता है, कलेक्टर क्या होता है, तो उसके अंतर्गत आते हैं, चाहे वो स्वास्थ्य हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट हो, चाहे वो शिक्षा हो, सब मेयर के अंडर में आते हैं और पुलिस भी आता है। नंबर तीन, खुद ही इन्होंने कहा कि मैं जहां जहां रहा हूं बड़ा सामंजस्य अच्छा था और कभी कोई शिकायत नहीं आई, कोई जब नहीं आई तो भाई क्या बदलने की जरूरत थी, आप खुद ही कह रहे हो आपकी अच्छी खासी लंबी सेवा थी, जब कोई सामंजस्य का सवाल नहीं आया तो मैं यही हमारा तो जवाब ही नहीं थी इसमें है, तब बदलने की क्या जरूरत आ गई। नंबर तीन, आप पुलिस कमिश्नर की बात करते हैं, आप देख रहे हो मैं ये सरकार का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं जी। आप बंबई में पुलिस कमिश्नर है, दिल्ली में पुलिस कमिश्नर है, कितने कोर्ट में गोलियां चली, कितने मर्डर हुए और कितना तमाशा रोज हो रहा है आप देख रहे हैं, ऐसा कोई नहीं आमूलचूल परिवर्तन हो गया। दूसरा कह रहे हैं फीडबैक ज्यादा होता है, अरे आप तो वीरेंद्र सिंह जी से कहूंगा, आप भी कचहरी कलेक्ट्रेट जाते हो, जरा डीएम के बंगले पे या डीएम के ऑफिस में भीड़ का परिमाण देखो और एसडीएम के यहाँ देखो, सीओ साहब के यहाँ, एसपी साहब के यहाँ देखो, 1/50 होगा, वहां 500 आदमी होंगे तो यहाँ 50 आदमी भी नहीं होंगे, ये फीडबैक का फर्क होता है, मेला लगा रहता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के यहाँ।
तो ये कोई बात नहीं है, ये मूलभूत सिद्धांत है। चाणक्य पढ़िए चाहे मैकियावेली पढ़िए, हर के ऊपर एक सिविल अथॉरिटी लोकशाही में होती है। कहीं किताबों में लिखा हुआ दिखा दें या कोई तर्कसंगत हो तो मैं बताऊं। तो मेरा तो मत मानना यह है कि बाकायदे कह रहे हैं क्यों बदला गया। भाई बदला इसलिए गया तो बात अपने आप में उसका जवाब नहीं है कि 5 साल में कुछ अनुभव ऐसे हुए होंगे जो प्लीजेंट नहीं है तभी बदला माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश से। उन्होंने महसूस किया होगा तभी बदला है ना भाई, क्यों बदला है? एक सवाल का तो ये मेरा ये उत्तर है उसका जी वीरेन जी, और मेरे हिसाब से ये बिल्कुल तर्कसंगत है और बहुत ही स्वागत योग्य कदम। सवाल का जवाब ये उठता है कि अगर जिलों में डीएम अध्यक्ष है कानून व्यवस्था की मीटिंग का, लैंड ऑर्डर का, तो जब डीआईजी या सीपी मीटिंग करेगा तो उस मीटिंग में कौन जाएगा, डीएम जाएगा या एसपी जाएगा? अरे ऑर्डर पढ़ लो, उसमें लिखा है जहाँ कमिश्नरेट है वहाँ कमिश्नर साहब करेंगे, डिस्ट्रिक्ट पुलिस कमिश्नर करेंगे। वो बाकायदे लिखा हुआ उससे में लिखा है। नहीं, लैंड ऑर्डर का चेयरमैन तो अब डीएम हो जाएगा जिले में, तो उसको भी जाना चाहिए इसका मतलब मीटिंग में। अरे भाई पुलिस कमिश्नर, वो पुलिस कमिश्नरेट को उससे अलग किया गया है माननीय वीरेंद्र सिंह जी, कमिश्नरेट को लागू नहीं है आदेश। अच्छा तो श्री प्रकाश जी ये व्यवस्था इसका मतलब चली नहीं, फेल हो गई, मतलब थाना अध्यक्षों की वो तैनाती से लेके क्राइम मीटिंग तक में, क्योंकि 5 साल में व्यवस्था बदल दी गई, तो क्या माना जाए, पुलिस निभा नहीं पाई इस व्यवस्था को जी? भाई पुरानी 2018 वाली व्यवस्था बहाल हो गई कि डीएम चेयर करेंगे और थाना अध्यक्षों के नियुक्ति अनुमोदन लेना पड़ेगा, तो ये 5 साल पहले बदला गया था कि नहीं आप ये बताए ना, उससे 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 क्या दुश्वारी हो गई थी? आप देखिए, अभी आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, वीरेंद्र सिंह जी आप भी थे, मैं भी इसी शहर में हूँ, आपने बड़े बड़े कार्यक्रम देखे, शपथ ग्रहण समारोह देखा और अखबारों में निकला कि कितनी अव्यवस्था, उसका रीजन है डीएम बाकायदे खड़े रहते थे वहां, 100 ACM CM लगे रहते थे, गैलरी में मजिस्ट्रेट रहते थे, यहाँ कोई देखने वाला नहीं था। समारोह शुरू हुआ उसके बाद कौन किधर फांद गया, किस गैलरी में घुस गया, कोई पता नहीं चल रहा था। जिम्मेदारी में ये फर्क है, हम लोग चिल्लाते रह गए भाई फलाने दरोगा जरा देखिए वो बाकायदे सिर नीचे किए खड़े हैं। फर्क ये होता है, आप किसी भी कार्यक्रम में देखिए, पहले का देखिए, चाहे वो कोई बड़ी रैली हो, कोई VIP कार्यक्रम, जिसमें ये सब व्यवस्था जब सामान्य थी, दोनों जब मिल जुल के करते थे तो 10 मजिस्ट्रेट भी लगते थे, CO भी लगते थे, थोड़ी व्यवस्था और चाक दुरुस्त रहती थी। तो जो चीज सामने थी अनुभव लोग करते थे, आप इसका एक रेफरेंडम करा दो, गोपनीय रेफरेंडम करा दो पब्लिक से कि पब्लिक क्या समर्थन करती है। उमेश प्रताप सिंह ने भाई कहा कि तुरंत मीटिंग बुलाओ शाहजहांपुर में डीएम साहब ने, वैसे देखिए विवाद तो पहले बहुत हुए हैं इसको लेके, ये बात तो आप लोगों को माननी पड़ेगी। और एसपी डीएम में टकराहट ही थाना अध्यक्षों की तैनाती के अनुमोदन से लेके क्राइम मीटिंग में न बुलाने को लेके तो काफी विवाद हुआ है, फिर वही सब शुरू हो जाएगा लग रहा है। नहीं नहीं अभी तो कह रहे थे माननीय जैन साहब ही कह रहे थे कोई विवाद नहीं होता, उन्होंने नौकरी के कर बड़ा सामाजिक तो बड़ा अच्छा है सरकारी में सहयोग सबसे, मैं थोड़ी ना कह रहा हूँ वही कर। वैसे देखिए ये अधिकारों की लड़ाई है और अधिकारों में कटौती किसी को होगी तो कोई बर्दाश्त तो करेगा नहीं, ये बात तो एग्जीक्यूटिव ने ऑर्डर पास किया है, ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने ऑर्डर पास किया है। अब आप ये कहें कि उन्होंने अपना विवेक, तो ये गलत बात है, उन्होंने अपना विवेक इस्तेमाल करके तब आदेश ये पारित किया। अरे तो भाई पुलिस तो अनुशासित फोर्स है, कितना दबाओगे आप लोग? अब इसको दबाना तो आप कह रहे हो ना, इसको दबाना आप कह रहे हो, मैं तो नहीं समझ रहा हूँ दबाओगे। पुलिस में तो कोई बोल सकता नहीं है, ये संविधान पढ़िए, राजनीति की किताबें पढ़िए, तब देखिए कि लोकतंत्र होता क्या है लोकशाही में, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज सुप्रीम। तो जैन साहब इतनी मेहनत किए, आज कमिश्नरेट सिस्टम बनाया गया कि पुलिस का आधुनिकीकरण हो, और अब हम फिर पिछले उसी युग में चले जाएं, पिछली व्यवस्था में चले जाएं, तो ये आधुनिकीकरण से और इससे तालमेल कहाँ बन रहा है जब पुराने नियम कानून से चलना है? व्यवधान नहीं हुआ था, हम लोगों ने बड़ी मेहनत की थी भाई, सिविल वालों ने भी, कैसे कह रहे हैं कि उन्होंने मेहनत की, यहाँ नहीं मेहनत की थी क्या? डीएम नहीं सस्पेंड हुए राइट में, सबने आगे बढ़ रहे हैं, मॉडर्नाइज हो रहे हैं, शहरी सभ्यता में पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम है,
तो हम एसपीज के अधिकार फिर क्यों कटौती करके फिर एक नया विवाद पैदा कर रहे हैं, इस पर बात है। मैंने कहा ना, विश्व में देखिए, आप मेयर पे जवाब नहीं कोई दे रहा है। मेयर इज इक्वलेंट टू एग्जीक्यूटिव हेड, जैसे आपका डीएम वैसे मेयर है। अब मैं वो चाहे सियोल का हो, चाहे न्यूयॉर्क का हो, चाहे जहां का हो, उसका तो तर्क है कि लोकतंत्र है। ये लोकतंत्र में जो आदमी सिविल अथॉरिटी है वो सुप्रीम होनी चाहिए, यही राजनीति का सिद्धांत है। विश्व में सब जगह जो राजनीति शास्त्र किताबें हैं आप उसको पढ़ लीजिए, उसमें कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सेनापति जो हैं वो सुप्रीम हो जाएंगे। भाई आपका अधिकार बढ़ गया, आपको तो अच्छा लगेगा, आपके संपर्क में आईएएस अफसरों की ताकत बढ़ी तो स्वाभाविक है, वो तो इसको समर्थन करेंगे भी, लेकिन पुलिस को बिल्कुल अच्छा लगेगा भाई, को अच्छा नहीं लगेगा। अच्छा की बात नहीं, गुण दोष पे बात करें, गुण दोष पे बात करें। ये कोई वो नहीं है कि बच्चों का खेल कि हमको ये गुड़िया दे दी गई, अच्छा लगा उनको ये गुड़िया खराब दे दी गई, ये गुण दोष पे बात की जाए। और विश्व के 350 संविधान पढ़ लीजिए, 350 संविधान पढ़िए, अगर किसी में व्यवस्था ये हो कि सिविल के एडमिनिस्ट्रेशन आधी हमने आधी कुचली व्यवस्था अपनाई थी पुलिस कमिश्नरेट में, विश्व में किसी भी अगर देश में पुलिस कमिश्नर के ऊपर सिविल अथॉरिटी ना हो तो बताइएगा। अच्छा श्री प्रकाश जी ये बताइए, 5 साल तक एसपी को ये अधिकार दिए गए और 5 साल बाद ये अधिकार वापस हो गए, तो इससे ये साबित होता है कि पुलिस फेल हो गई, अधिकारों को जिम्मेदारी से नहीं निभा पाई ना, अब तो यही बात निकली। मंत्री जी ने सोचा होगा तभी किया ना, सिद्ध तो है ही है अपने इसमें, ये स्वयं सिद्ध है, मुझसे क्यों पूछ रहे हो। और वो जो 60 साल तक व्यवस्था चली थी उसको फिर वापस आ, तो ये छीना नहीं गया, रिस्टोर किया गया, दो शब्दों में फर्क है। छीनना कह रहे छीन लिया, छीना नहीं गया, जो अधिकार थे वापस कर लिए, रिस्टोरेशन ऑफ ओरिजिनल पावर्स या ओल्ड पावर्स जी। चलिए जैन साहब, आपने तो बहुत सारी बातें कही थी, लोगों ने सुना भी, लेकिन देखिए क्या एक ही सेवा से आने वाले अफसरों के बीच में किस तरह से अधिकारों को लेकर ये एक लड़ाई कहा जाए, एक मतभेद फिर उभर के आएगा। और बहुत सारे मामले अतीत में आए हैं कि जहां डीएमएसपी में तालमेल नहीं हुआ और क्राइम मीटिंगें नहीं हुई बहुत दिनों तक, बहुत रेयर। हम लोग फिर पीछे जा रहे हैं या आगे जा रहे हैं? इसमें कहां विकास आ गया? रॉकेट साइंस है कोई? ये रॉकेटरी है कि चंद्रयान हो रहा, कहां आप उसमें जोड़ रहे हो विकास इससे आगे पीछे? मैं कह रहा हूं आप उसको सुनिए, मैं कह रहा हूं आप पढ़ लीजिए ना विश्व का संविधान, मैं आपको अलग से ला के दे दूंगा, 350 देशों का संविधान आपको ला के दूंगा। तो श्री प्रकाश जी, पिछले 5 साल से क्या संविधान का उल्लंघन हो रहा था क्या, जो आदेश पारित किया गया था? नहीं हो रहा था, उल्लंघन की बात नहीं है, पावर उसमें है, जो अनुभव हुआ है अनुभव जन्य डिसीजन है। मैं ये कह रहा हूँ पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव माननीय रंगनाथ मिश्र जी जो न्यायमूर्ति थे, उनके जजमेंट में क्लियर किया गया था कि पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव इज द रियल एग्जीक्यूटिव, तो जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव का डिसीजन है उसका जो निर्णय है वो सर्वमान्य है और वो अनुभव जन्य है, अनुभवों पे आधारित है, ये किसी ब्यूरोक्रेट ने डिसीजन नहीं लिया है, इसको गलत रंग ना दे। ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव में उन्होंने कहा था कि जो ब्यूरोक्रेसी है दैट इज नॉट पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव इज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। तो अब मतलब जिले में एसपी हरदम घड़ी घड़ी डीएम के आगे हाथ फैलाए कि साहब ये थानेदार बदल दो। क्या भैया ऐसे क्यों कह रहे हैं आप? पहले फैलाते थे, कहां ये आपने देखा कि डीएम के आगे हाथ फैलाए एसपी खड़े थे? ये कहीं नहीं होता, दोनों जिम्मेदार अधिकारी हैं, सामंजस्य बनाकर करते हैं। खुद ही जैन साहब ने कहा कि मैंने इतनी नौकरी की कभी कोई विवाद नहीं हुआ, उसका जवाब इसी में, बार बार क्यों आप हमसे कहलवा रहे? एकाध कभी अपवाद होता है, कहीं अपवाद होता है, कहीं संघर्ष हो जाता है, वो हर जगह होता है, व्यक्तिगत नेचर है आदमी का, कहीं अपवाद कहीं हो सकता है। चलिए एके जैन साहब, जिस तरह से वीरेंद्र सिंह जी ने भी कहा कि देखिए कमिश्नरेट व्यवस्था जो है वो लागू की गई और कमिश्नरेट की जो बैठक है कानून व्यवस्था की उसकी अध्यक्षता जो है वो पुलिस कमिश्नर ही करेंगे, तो आईपीएस को कहीं ना कहीं कहा जाए कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी जो जहां पर कमिश्नरेट प्रणाली लागू है वहां पर तो दी गई है। नहीं नहीं, कानून व्यवस्था संभालने की जिम्मेदारी जिले के एसपी की ही रहेगी जी, ये किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए, वो हमेशा से संभालते आए हैं और संभालेंगे। ये बात जरूर है कि कोई पब्लिक से रिलेटेड कोई बड़ी कानून व्यवस्था की समस्या होती है उसमें उसमें डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स भी साथ रहते हैं
और मिलजुल कर डीएमएसपी जो है वो व्यवस्था को बनाते हैं। मेरे समय में भी पुरानी व्यवस्था लागू थी, और मेरे समय में किसी भी, मैंने 11 जिलों में रहा हूं, कभी भी किसी डीएम ने ये नहीं कहा। हम उनको इन्फॉर्म कर देते थे कि ये फला फला थानाध्यक्ष, फला फला प्रभारी निरीक्षक ये तैनात किया गया है। मेरिट पर पोस्टिंग होती थी। मैंने हमेशा कह रखा था कि अगर आपको किसी पोस्टिंग पे कोई आपत्ति हो तो मुझे बता दीजिएगा, किसी की कोई इंटीग्रिटी की शिकायत हो तो बता दीजिएगा, हम अपनी तरफ से बेहतर पोस्टिंग करते थे। क्योंकि एसपी को पूरा पता होता है, एक एक का कैरेक्टर रोल पता होता है, पूरी लिस्ट बनती है, एक एक काम की समीक्षा की जाती है। वो बात दूसरी है कि ज्वाइंट मीटिंग भी लॉ एंड ऑर्डर की, हमेशा जब भी कोई बड़ा मुद्दा होता था तो सारे मजिस्ट्रेट्स पुलिस ऑफिसर्स मिलके बैठ के मीटिंग करते थे, साथ में ड्यूटीज लगती थी और बहुत अच्छी व्यवस्था रहती थी। ये इसको देखा जाएगा आने वाले समय में क्या इसका नतीजा निकलता है। और मेरा तो स्पष्ट मानना है कि आप किसी भी विभाग को, आपको उसके ऊपर पूरा फेथ रखना चाहिए, और उसके कार्यों में अनावश्यक कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक व्यवस्था बनी हुई है, एसपी के ऊपर डीआईजी हैं, आईजी हैं, एडीजी हैं, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर है, डीजीपी हैं, प्रिंसिपल सेक्रेटरी होम हैं, सब इसी व्यवस्था को देखने के लिए रहते हैं कि कहीं पर कोई गड़बड़ी तो नहीं हो रही है, किसी क्षेत्र में कोई कानून व्यवस्था की कोई स्थिति तो नहीं उत्पन्न हो रही है, किसी जगह की कोई शिकायतें तो नहीं आ रही है ज्यादा, उस पर तुरंत एक्शन हम लोग लेते थे। मैं बतौर आईजी जोन लेता था, डीआईजी रेंज हम लोग रहे, एडीजी लॉ एंड ऑर्डर रहा, हम उसको तुरंत अटेंड करते थे कि भाई ये यहाँ पे समस्या आई क्यों, चलिए कोई बात नहीं, इसको ये कोई बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है, ये तो क्योंकि आपने डिबेट रखी है इसलिए मैं अपने विचार इस पे व्यक्त कर रहा हूँ। सदर्न स्टेट्स में ये कोई इशू नहीं है, सदर्न स्टेट्स में विकास का कार्य डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखते हैं और लॉ एंड ऑर्डर का काम वहां पे जो पुलिस कमिश्नर तैनात हैं वो देखते हैं, एसपीस देखते हैं, और वो अकाउंटेबल हैं उसके लिए। अगर कहीं पे कोई गड़बड़ी होगी उसके लिए वो अकाउंटेबल हैं। ये नहीं कि वो फेंका फेंकी शुरू हो जाए कि साहब वो इसमें इसका सहयोग नहीं मिला, इसमें इसका सहयोग नहीं मिला, ये नहीं होना चाहिए। अब खैर जो भी निर्णय है वो सर्वमान्य होना चाहिए, मुख्य सचिव चाहे निर्णय दें, चाहे मुख्य सचिव मुख्यमंत्री जी के बिहाफ पे दिया है उन्होंने जी। किन परिस्थितियों में दिया है ये तो आगे आने वाले समय में स्थिति स्पष्ट होगी, पर मेरा इतना मानना है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश में ऑर्गेनाइज क्राइम करीब करीब ठप हो चुका है। इसके लिए एसटीएफ का गठन हुआ था बहुत साल पहले जी। अपराधों में कमी आ रही है, पुलिस सख्ती से अपना कार्य देख रही है, मुख्यमंत्री जी स्वयं निर्देश देते रहते हैं हर त्योहार से पहले, और उसका पालन पुलिस कर रही है। कहीं मुझे ऐसा नजर नहीं आया कि कोई मुख्यमंत्री के आदेशों की अवहेलना कहीं पर किसी ने की हो। कोई अगर करता है तो उसको ऐसा दुस्साहस करने का अधिकार नहीं है, और उसके खिलाफ मेरी समझ से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि दूसरों को सबक मिल सके। मुख्यमंत्री गृहमंत्री जो हैं उनके आदेश सर्वोपरि हैं, और जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल करने के निर्देश मिलते हैं, पुलिस का दायित्व बनता है कि सख्ती से उसका पालन करे, माफियाओं पे कंट्रोल रखे, गैंगस्टर्स पे कंट्रोल रखे, ये सब कार्रवाइयां होनी चाहिए। ठीक है, मैं आपके पास आपने एक टॉपिक लिया है, उस पर डिबेट हुई है और इस पर आगे भी चर्चा होगी और फिर देखा जाएगा इसमें क्या निकल कर आता है। जी जी वीरेंद्र जी, कुछ जी बात इस पर आती है कि जब योगी सरकार बुलडोजर के नाम से प्रसिद्ध है, जब योगी सरकार सख्त कानून व्यवस्था बताती है, योगी सरकार माफियाओं पर लगातार सख्ती कर रही है, ऐसे में जब पुलिस के नाम पर, लैंड ऑर्डर के नाम पर उत्तर प्रदेश में सरकार चुनाव जीती, दोबारा सत्ता में आई, तो अब पुलिस के अधिकार में कटौती करना, आईपीएस अफसरों के अधिकार में कटौती करना, ये थोड़ा से लोगों को अटपटा सा लग रहा है। बात इतनी है, कौन डीएम सुपर बॉस हो जाए, एसपी बॉस रहे, ये ज्यादा मायने नहीं रखता है। लेकिन जिस पुलिस के दम पर उत्तर प्रदेश में मजबूत कानून व्यवस्था की बात कही जाती है, आईपीएस अफसरों से को लेकर और पुलिस के निचले पायदान से लेकर सिपाही से लेकर डीजी तक, तो वहां पर उनका भरोसा और बढ़ाने की जरूरत थी, उनका उत्साह और बढ़ाने की जरूरत है। और कोई भी एब्सोल्यूट पावर नहीं होना चाहिए, क्योंकि हर आदमी के ऊपर सुपरवाइजरी अफसर हैं,
लेकिन चुनाव हम पुलिस और कानून व्यवस्था पर जीते हैं और अधिकार काट दें, फायदे में श्री प्रकाश जी का संग रहे, उनकी लाभी रहे, ये तो बहुत दिनों तक अध्यक्ष रहे हैं अपने एसोसिएशन के, ये तो अपने बात कहेंगे ही, लेकिन सच्चाई यही है कि चुनाव जीतो, कानून व्यवस्था, पुलिस, दरोगा, थानेदार, इंस्पेक्टर और एसपी के नाम पर, और काट दियो अधिकार, दे दो डीएम साहब को। अब उमेश प्रताप सिंह कह रहे हैं जल्दी मीटिंग बुलाओ, हमको पुलिस लाइन में बैठक करनी है। तो ये जो बातें हैं, ये इससे मोराल हाई होने वाला नहीं है। मुझको लगता है कि जब कोई इस तरह फैसला होता है तो देखिए उस पर दोनों पक्षों से समीक्षा होगी, कुछ लोग पॉजिटिव बात करेंगे, कुछ निगेटिव बात करेंगे, अपने अपने संघ की भी लोग बात कर रहे हैं। लेकिन अगर न्यूट्रली आप देखेंगे तो इस व्यवस्था को बदलना नहीं चाहिए था। ज्यादातर डीएम स्वीकार कर चुके हैं उत्तर प्रदेश में कि हमें कानून व्यवस्था बैठक में जाने का कोई मतलब नहीं है, और एसपी कर रहे हैं, वो अपना देखें, बवाल होगा, वो झेलें, शासन जवाबदेही है। डीएम गवर्नमेंट का प्रतिनिधि है, ये बात सही, वो सर्वोच्च अधिकारी है, लेकिन अब एक व्यवस्था सेपरेट हो गई थी, अब उसमें फिर नई बात शुरू हो गई, बस इतनी सी बात है जी। और वीरेन जी, जिस तरह से आपने कहा कि एब्सोल्यूट पावर की अगर बात की जाए तो पुलिस को कई पावर दिए गए थे, क्योंकि इलेक्शन आने वाला है और लगातार हमने देखा कि कई नेताओं में भी इस तरह का रोष जो है वो व्याप्त रहता है कि देखिए पुलिस जो है वो हमारी बात नहीं सुनती है, कहीं जो डोर है वो हाथ से न छूट जाए, इसकी वजह से भी ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि देखिए आप ही सब कुछ नहीं है और आपके ऊपर भी एक सुपीरियर आपका अधिकारी है, वो अब कहीं ना कहीं जो पूरी कानून व्यवस्था है, जो जो बड़ी बातें हैं कहा जाए कि उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करेगा। वीरेन जी देखिए चुनावी साल तो आ ही गया है, लगभग लोकसभा चुनाव होना है, अगले साल मार्च अप्रैल में आ जाएगी जी। अब यूपी में तो योगी की सरकार इसीलिए मानी जाती है कि भाई वो गुंडागर्दी के खिलाफ सरकार है, जीरो टॉलरेंस है इनका भ्रष्टाचार पर, गुंडागर्दी पर, बदमाशी पर, तमाम माफियाओं का सफाया किया, पुलिस ने सरकार की साख बहुत बढ़ाई बनाई जी। अब पुलिस के अधिकार कट गए तो ये बात तो उनके अंदर आएगी कहीं ना कहीं, हम कमिश्नरेट दे रहे हैं, हम पुलिस की ताकत बढ़ा रहे हैं, अभी तक 107-16 तक का करने का अधिकार 151 तक का नहीं था, अब वो कमिश्नरेट में कर रही है पुलिस जी। अभी तक इनको गुंडा एक्ट करने का अधिकार नहीं था, अब लाइसेंस देने की अथॉरिटी अभी भी नहीं कमिश्नरेट सिस्टम में है, हमारे यहाँ का कमिश्नरेट अभी बहुत आधा अधूरा है, अब उसमें अभी बहुत अधिकार डीएम के पास है जो दूसरे राज्यों में पुलिस कमिश्नर के पास होते हैं, बंबई में है, कलकत्ता में है, दिल्ली में है, वहां का कमिश्नरेट में बहुत अंतर है यूपी में। यूपी में तो अभी बस थोड़े बहुत अधिकार मिले हैं, लेकिन अब ऊपर से एक नया बवाल आ गया, अब जिलों में भी फिर वही स्थिति आ गई, तो अब ये है कि छटपटाएंगे तो लोग है जी, अब वो कर ना पाओ कुछ क्योंकि सरकार का आदेश है, लेकिन सच्चाई तो देखो स्वीकार करनी पड़ेगी, मानना चाहिए कि जब पुराने युग में बाबा आदम के जमाने में रहना, वही व्यवस्था लागू करना वही ठीक थी, अरे भाई जमाना बदल रहा है, नई व्यवस्था आ रही है, लोग अपने अधिकार मांग रहे, दे दो और उनका काम करे, जवाबदेही लीजिए, अब जिले में ही फिर वही आपस में टकराव शुरू हो, इससे कौन फायदा होगा, यहाँ कौन उससे लाभ हानि होने वाली है जी। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, वक्त की कमी है तो देखिए कहा जाए कि 5 साल के बाद इस तरह के जो पूरा एक व्यवस्था है उसमें फिर से बदलाव किया गया है और कानून व्यवस्था की बैठक में अब पुरानी व्यवस्था को बहाल कर दिया गया है, डीएम की अध्यक्षता में कानून व्यवस्था की अब बैठक होगी और इसको लेकर देखिए 66 जिलों में जिलाधिकारी कानून व्यवस्था की बैठक लेंगे, कमिश्नरेट में पुलिस कमिश्नर बैठक की अध्यक्षता करेंगे और मुख्य सचिव ने सभी जिलों के लिए आदेश जारी किए हैं। घोसी उपचुनाव शबाब पर है और दोनों दल, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, जीत के बड़े बड़े दावे कर रहे हैं, लेकिन इस जीत को लेकर, इस चुनाव को लेकर हम यहाँ के जो